गाइस आप देख सकते हैं ये पीछे की टेल लाइट में आपको हाफ लाइट पड़ रही है, इसमें हाफ लाइट नहीं पड़ रही है। ये ओपन करके पूरी वायरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, इसकी फर्स्ट वाले स्विच करना है, उसके बाद इसके साइड वाइजर पूरे खोलना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी के पल्सर के पीछे साइड का ये ब्रेक सिस्टम टेल लाइट है। अब इसमें आधे ये दो स्टेप्स नहीं पड़ रहे हैं, कम के कंप्लीट पड़ रहे हैं, ये कितने पड़ रहे हैं देखेंगे ओपन करके। और एक इसमें मैं अब इसके अंदर क्या रिमार्क है आपको क्लैरिटी से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये ब्रेक कनेक्शन है, खाली हाफ ही पड़ रहा है, क्लैरिटी से दिखता आपको नज़दीक लगाता हूँ। देखो हाफ ही पड़ रहा है। ये पार्किंग सिस्टम है, ये भी हाफ ही पड़ता है, ये दो नए पड़ते हैं ना, ये क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। देखो दोस्तों कंप्लीट आ चुका है, इसको ऐसे स्क्रूस आते हैं, इसको यहाँ पे एक स्क्रू एक खोलता हूँ और ये देख सकते हैं पूरा जल चुका है। इधर अभी स्टिप्स बदलाता हूँ मैं, नॉर्मल स्टिप्स डालता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से ख़राब हुआ से ये बल्ब जो पूरा चक्कर लिया हमने कंप्लीट है। अब इसको टेस्ट करके बताता हूँ, ये नॉर्मल 3.6 वोल्ट्स का बल्ब है ना, अब इसको ये लगाता हूँ, ये पड़ता है देखो, देख सकते हैं ये पड़ी लाइट है, सॉरी देख सकते हैं वो भी ब्लिंक हो रही है इसकी तरह। इसको रेड कलर ही बल्ब डालता हूँ एक आड़ के, जब देखेंगे कंटिन्यू वर्क करता है नहीं वर्क करता। अब ये बल्ब अच्छा है, ये बल्ब भी ख़राब है, आप भी ऐसे तरह बदला ले सकते हैं। तो गाइस अब इसमें के स्ट्रिप काटता हूँ मैं, ये रेड कलर की स्ट्रिप काटता हूँ इसमें से। देखो गाइस कंप्लीट हो चुका।